अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज बुध का दिन और शाम के तकरीबन 6:10 पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हुआ ये था कि दोपहर में देर से उठा था, उसके बाद नाश्ता किया हमने, उसका ब्लॉग नहीं बना सका। फिर नाश्ते के बाद जो है वो ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन के बाद अब मैं फ्री हूँ और लाइट गई भी, 7 बजे तक लाइट आई। तो दिन की शुरुआत हुई है काफ़ी देर से और काम बहुत सारे करने के हैं, लेकिन एक काम है नहीं, 3-4 काम पेंडिंग में जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो मुझे घर के सिलसिले में जाना है, साइट विजिट करनी थी वो भी नहीं करा, बैंक जाना है, एक काम बैंक में अटका हुआ है वो, फिर सुबह का ही काम वो भी नहीं किया। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें परचेज करनी है घर के लिए, पानी स्टोर करने के लिए दो ड्रम्स खरीदने वो नहीं खरीदने अभी तक, तो तबीयत भी सही नहीं चल रही लारे की, तो इस वजह से जी बोले 7 बजे जाऊँ ब्लॉग बना रहा था। तो अम्मी भी मुझसे पूछना है कि तुम ट्यूशन पढ़ाने कब जा रहे हो, तो वो भी पढ़ानी है। और इसके साथ साथ इमरजेंसी 2 पंखे लेके आने थे, लेकिन वो भी हमने कैंसिल कर दिया इरादा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 पंखा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे इसकी वर्किंग एबिलिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से फिर 2 पंखे और परचेज करने हैं। फिर मुझे जनरेटर सही कराना है और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाना है, फिर उन्होंने बिल फिर दोबारा ज़्यादा भेज दिया, करंट बिल से 2000 रुपये प्लस करके उन्होंने ऐड करके भेजा, आई डोंट नो कि वो क्यों ज़्यादा करके भेजें, उधर भी जाना है और भी एक दो काम होंगे कि अभी ध्यान में नहीं आ रहे, तो काफ़ी सारे काम। हाँ, बच्चे की ख़रीदारी करनी है कपड़ों की, जो कि बहुत बड़ा काम, तो ये सब काम मुझे भी करने हैं और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो एक दिन जल्दी उठना पड़ेगा सुबह में ताकि फिर सारे काम जो है वो हो जाए। तो अभी वेट कर रहे हैं लाइट का, देखते लाइट कितने बजे आती है। ओ माय गॉड, लाइट आ चुकी है, वक्त से पहले लाइट आ गई। पंखा भी हमारा चल रहा है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, आराम देते हैं इसको। पंखा कर दिया ऑफ, लाइट हमारी आ चुकी है माशाल्लाह। फाइनली के इलेक्ट्रिक वालों को आ गया हम पे रहम और लाइट आ चुकी है और काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। आज का मौसम भी बेहतर है कंपैरेटिवली, पिछले वीक की अगर बात करते हैं तो 15 मई पे संडे के दिन तक बहुत गर्म मौसम था, लेकिन ये जो 2-3 दिन जो अभी इस वीक के स्टार्ट हुए ना, तो मौसम थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे, और अल्लाह करे बारिश हो, हल्की बूंदाबांदी, ताकि मौसम और खुशगवार हो जाए और इस तरह लोगों के जो माइंड होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। मौसम का बड़ा काम होता है आपके माइंड को रिफ्रेश करने में, तो लोग चिड़चिड़े रहते हैं अगर ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं जा रहा हूँ ड्रम लेने के लिए, मार्केट है शुरू हो गई है, ये मार्केट इधर ही कहीं दुकान आएगी, जो टंकियों की दुकान है ना वो बंदा बताएगा कहाँ मिलेगा कैन। ये देखो दरवाजों की मार्केट शुरू हो गई, पता नहीं। तो गोलदरा मार्केट जो है ना वो कराची की थोड़ी सी चीपेस्ट मार्केट में आती है, यहाँ पे आपको रेट मार्केट रेट से अगर कोई चीज़ 10,000 की है तो 8-9 हज़ार की मिल जाएगी, कम पैसों में मिल जाती है गरीबों को, समझ रहे हो बात। अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर हम सेकंड हमारी जो होगी जगह वो वाटर पम्प होगा। तो हम जा रहे हैं ड्रम खरीदने के लिए गोदरा मार्केट, ऐसे पाटल लौंडा अपनी फैमिली के साथ आके जाते हुए निकल गया, अभी वो कैप्चर नहीं कर सका हम पाटल लौंडे को। पहले कट से सीधा ये ना पंप इधर कट होगा, इस गली में जाना है हमें, ये पेट्रोल पंप वाली, एक्सेल पेट्रोल पंप वाली गली, समझ रहे हो। और ये है मेरा खाना, गोला कबाब और रोटी, आप देख सकते हैं चौंक की रोटी के साथ, चौंक की रोटी के साथ कबाब कौन खाता है, लेकिन मुझे खाने पड़ रहे हैं।